हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में मॉलिकुलर सॉलिड की। मॉलिकुलर सॉलिड में हमने बात की थी पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड की। जैसे कि हमको पता है पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स वो होते हैं जिनमें दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस वाले एटम्स लगे होंगे। जैसे एक एटम इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो, दूसरा एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। और एक बात बता दूं, आप लिख लीजिएगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगता है पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स में, जबकि नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स में वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसको कभी कभी लंडन फोर्स भी कहते हैं या डिस्पर्जन फोर्स भी कहते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड की तो बात मैंने अलग से की थी कि दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, एक होता है इंटर मॉलिकुलर, दूसरा होता है इंट्रा मॉलिकुलर। आज हम बात करेंगे आयनिक सॉलिड्स की, फिर हम बात करेंगे मेटालिक सॉलिड्स की, फिर हम बात करेंगे कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स की। आइए मैं आपको सिखाता हूं कि हमारे आयोनिक सॉलिड्स क्या होते हैं। आयोनिक सॉलिड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड्स। व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड्स? आयोनिक बॉन्ड्स बॉन्ड्स फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बनते हैं उन्हें हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। जस्ट लाइक, जैसे मान लो हमारे पास सोडियम है और क्लोरीन है। सोडियम ने क्या किया, Na+ में कन्वर्ट हुआ। कैसे कन्वर्ट होगा Na+ में? आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे हम सोडियम को आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आउटर मोस्ट सेल ऑफ गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, तो आप जानते हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हो, यहां पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl- में। अब क्या हुआ, ये Na+ Cl- जो बॉन्ड बनाएंगे वो होगा हमारा आयोनिक बॉन्ड। आप सब जानते हो एक चीज और, बचपन में पढ़ा होगा, 281 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसका होता है 287। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, कंप्लीट ट्रांसफर हो गया इलेक्ट्रॉन का, बन गया कौन सा बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। वही चीज यहां पर भी है, आयोनिक बॉन्ड जो होते हैं आयोनिक सॉलिड्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे नमक है वो कौन सा बॉन्ड बनाता है, आयोनिक बॉन्ड बनाता है। पूछा जाए क्वेश्चन, कौन सा इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो आप बोलना इसमें कि हमेशा आयनिक बॉन्ड्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। कौन सा लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। जैसे कि मान लो कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं। जब पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो होता है कोलंबिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के Q1 Q2 upon R square। आपने पढ़ा होगा K Q1 Q2 upon R square। तो हमें इसकी बात नहीं करनी है, बस मैंने आपको बता दिया कि दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है कैटायन और एनायंस के बीच में आयनिक सॉलिड्स में। ठीक, द सेकंड क्वेश्चन आस्क इन एग्जाम कि क्या ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं, तो कहोगे कि आयोनिक सॉलिड does not conduct electricity in solid state. Point to be noted, my lord. In solid state. But they conduct electricity. But they conduct electricity in
मोल्टन इन मोल्टन और गैसियस स्टेट इन मोल्टन और गैसियस स्टेट कब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे मोल्टन या गैसियस स्टेट में तो ध्यान रखिएगा आयनिक सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा लगता है तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है और ये एक करंट का इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं क्या इलेक्ट्रिसिटी से फ्लो करती है तो कहोगे हाँ करते हैं लेकिन कब गैस या मोल्टन स्टेट में सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते क्यों नहीं करते क्योंकि आयंस फ्री नहीं होते आयनिक सॉलिड्स में सॉलिड फॉर्म में है जब सॉलिड फॉर्म में होगा तो आयंस फ्री नहीं होंगे और जब तक आयंस फ्री नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होंगे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो सकता अंडरस्टैंड ठीक है तो ये हमारी छोटी सी बातें थी आयनिक सॉलिड की अब मैं आपसे बात करूंगा अपने दूसरे सॉलिड की जिसका नाम है मेटैलिक सॉलिड जिसका नाम है मेटैलिक सॉलिड देखो बच्चों मेटैलिक सॉलिड क्या होते हैं आपने मेटैलिक बॉन्ड के बारे में सुना होगा मेटैलिक बॉन्ड्स जैसे कि आपने जानते हो जैसे मान लो कोई सोडियम का एटम है उसमें जो बॉन्ड्स लगेंगे वो सब बॉन्ड्स कहलाएंगे मेटैलिक बॉन्ड्स अगर उसी सोडियम के एटम में ढेर सारे सोडियम के एटम्स होंगे तो उन सब में जो बॉन्ड्स होंगे वो होंगे मेटैलिक बॉन्ड्स इसके बीच बीच में बहुत ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ट्रेवल करते रहते हैं तो होता क्या है जब मेटेलिक सॉलिड्स में ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं पहली बात तो ये बहुत स्ट्रांग होता है इसमें सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं याद रखिएगा सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसका कंडक्शन जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा होता है दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी मतलब कह सकते हो वेरी गुड बहुत अच्छी कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का क्यों बिकॉज ऑफ सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जैसा कि आप लोहे को देखा होगा आपने गोल्ड को देखा होगा सिल्वर प्लेटिनम कॉपर इन सबको आप देखा होगा जब भी आप इन सब की बात करते हो तो सॉलिड फॉर्म में ही होते हैं लेकिन कभी आपको जब कहीं पर करंट फ्लो कर रहा होता तो हमेशा आप इन मेटल्स का यूज नहीं करते कि उस करंट के तार को कहीं फेंका हो तार को हटाने के लिए क्यों नहीं करते क्योंकि इसमें पूरे में बहुत ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स के टच में अगर आप आ गए तो आपकी अर्थिंग की वजह से आपको बहुत तेज सा झटका लग सकता है कहेंगे ना जोर का झटका है धीरे से लगा सॉरी तो आइए हम आगे बात करते हैं ठीक अब आइए एक बार फिर से मैं बताता हूं मेटेलिक सॉलिड हो गई अंडरस्टूड देन वी टॉक अबाउट कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड What is covalent solid and what is network solid? This is ये सब बहुत आसान चीजें हैं भैया अभी जो हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट में काफी आसान है आगे के टॉपिक्स जो आने वाले हैं जैसे हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अक्सर आते हैं हमारी डेंसिटी से फॉर्मूला बनाने वाले क्वेश्चंस आते हैं कह देगा एटम्स आर एट कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड तो इसी के मॉडिफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं डेंसिटी बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं तो इसको हम खत्म करने के बाद सीधे क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल्स पर आएंगे तो देखिए इसको मैं आपको कह रहा था कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड के बारे में कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड क्या होता है ध्यान से देखो यार आपने सुना होगा कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में डू यू नो व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड या द बॉन्ड्स फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी नो दैट द बॉन्ड्स फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Sharing of electrons. That type of bond is known as covalent bond. इससे बने हुए solids, जिसमें ऐसे solids जिसमें covalent bonds होते हैं उन्हें कहते हैं covalent और network solid. जैसे for example, हम सब जानते हैं diamond.
डायमंड और ग्रेफाइट, डायमंड और ग्रेफाइट दे आर एग्जाम्पल ऑफ, एक और एग्जाम्पल होता है इसका सिलिकन कार्बाइड SiC, इसका एक नाम होता है सिलिकन कार्बाइड का कार्बोरेंडम भी कहते हैं सिलिकन कार्बाइड को। ये तीनों एग्जाम्पल्स होते हैं कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड के। जैसे कि मैं आपसे डायमंड की बात करूं, मैं दिखाता हूं आपको डायमंड कैसा होता है, फिर मैं दिखाऊंगा आपको ग्रेफाइट कैसा होता है। और बात करते हैं डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में, डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में। देखो डायमंड कैसा होता है, से एक कार्बन है, इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है ये। इसके चारों तरफ भी कार्बन्स लगे होते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना वो होता है sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है sp3। स्ट्रक्चर कैसा है इसका, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। सारे बॉन्ड्स कोवेलेंट सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, सारे कोवेलेंट सिंगल बॉन्ड्स होने की वजह से ये ढेर सारे ऐसे नेटवर्क फॉर्म करता है सबसे, इसी वजह इसको हम कहते हैं कोवेलेंट। और सारे के सारे ऐसे ही बनाते चले जाएंगे, सबके सब ऐसे बनाते चले जाएंगे, तो इस तरह से जो बॉन्ड्स बनते हैं वो कोवेलेंट, ऐसे बना दो मान लो दूसरा ऐसे कोई बना दिया, तो वो जो बॉन्ड्स बनाते हैं यहां से नहीं बनेगा दूसरे से बनेगा, तो उसको कहते हैं हम कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, और डायमंड इसके अंतर्गत आता है। अच्छा हम डायमंड की बात करें तो आप सब जानते हो डायमंड does not conduct electricity. Why? Diamond में electricity flow क्यों नहीं होती? Because it have no free electrons. इसमें कोई भी free electrons नहीं होते, तो यहां पर लिख सकते हैं because इट डज नॉट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, दैट्स वाई डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये भी एक तरह कैसा सॉलिड है, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड है। दूसरी बात मैं करूंगा अगर आपसे ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, देखने में लगता है बेंजीन है लेकिन बेंजीन नहीं होती, कुछ ऐसा होता है, उसके नीचे भी ऐसे बने होते हैं ढेर सारे, इसके नीचे भी ऐसे बने होते हैं, तो इस तरह भी बने होंगे, तो इस तरह से ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका स्ट्रक्चर होता है वो होता है स्क्वायर प्लेनर। कैसे स्ट्रक्चर निकल के आता है इसका, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर निकल के आता है। क्या ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा, सोच के बताना, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा? हाँ करेगा, क्योंकि इसके पास पाई बॉन्ड है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कह सकते हो आप दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी because it have one free electron, क्योंकि इसके पास एक free electrons होता है जिसकी वजह से यह electricity का conduction करता है। बात समझ में आई? ठीक है, very good। तो यह थी हमारी छोटी मगर मोटी बातें diamond और graphite के बारे में, covalent और network solid के बारे में। ठीक, तो यहां हमारा टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड टॉपिक खत्म होता है। अभी तक हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन के बारे में, हमने वहीं पर आपको आइसोट्रॉपिक एनिसोट्रॉपिक टर्म बताया था, वहीं पर हमने आपको बताया था फोटोवोल्टिक मटेरियल क्या होता है, फिर हमने आगे की तरफ बढ़े तो हमने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे कितने तरह के होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हम सब जानते हैं चार तरह के होते हैं,
कौन कौन से मॉलिकुलर आयनिक मेटेलिक और कोवेलेंट। फिर हमने पढ़ा कि मॉलिकुलर सॉलिड्स तीन तरह के होते हैं, पोलर नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। उसके बाद आयनिक के बारे में अभी पढ़ा, मेटेलिक के बारे में पढ़ा और कोवेलेंट एंटॉक्सॉल्ट के बारे में पढ़ा। अब बच्चों मैं बात करूंगा क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल्स के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टर्म होता है क्रिस्टल लैटिस और एक टर्म होता है यूनिट सेल। व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस एंड व्हाट इज यूनिट सेल? क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल, ठीक। देखो क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं, ये होता है, अब कभी भी हम क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है थ्री, अगर एनसीईआरटी पढ़े उसमें एक डेफिनेशन लिखी है, थ्री डायमेंशन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन स्पेस। थ्री डायमेंशन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन स्पेस इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। एंड व्हाट इज यूनिट सेल? स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज यूनिट सेल, इज नोन एज यूनिट सेल। अंडरस्टूड? होता क्या है मैं भी समझाता हूं आपको, आप बड़ा ध्यान समझिएगा कि क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल क्या होता है। देखो ये कैसे बनते हैं क्रिस्टल लैटिस, जैसे मान लो आप किसी अपार्टमेंट को बाहर से देख रहे हो, ठीक। जब किसी अपार्टमेंट को आप बाहर से देख रहे होगे तो आपको उसके सारे पॉइंट्स विजिबल हो, एक स्क्वायर नुमा स्ट्रक्चर हो और उसके सारे पॉइंट्स विजिबल हो। मैं आपको एक बना के दिखाता हूं और आपकी स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा कि वो देखिए क्रिस्टल लैटिस आपको साइड में दिख रहा होगा, ठीक। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं, ये मेरा एक कमरा हो गया, ठीक। मैंने क्या कहा कि मैंने इसके ऊपर भी एक स्ट्रक्चर इसी सेम तरह का बना दिया, इसके इधर भी बना दिया, इसके इधर भी बना दिया, इसके नीचे भी, इसके पीछे भी, इसके आगे भी, ऐसे ढेर सारे स्ट्रक्चर्स मैंने बना दिया। तो वो जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होगा वो कहलाएगा हमारा क्रिस्टल लैटिस और उसमें जो पॉइंट्स होते हैं वो कहलाते हैं हमारे लैटिस पॉइंट्स। क्या कहलाते हैं हमारे? लैटिस पॉइंट, या इसी को अपन कभी कभी कहते हैं लैटिस साइट। क्या बोलते हैं इसको हम? लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट भी कहते हैं, जो हमारे क्रिस्टल लैटिस के सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब इसमें जब हम इसी का छोटा सा पोर्शन उठाते हैं, जैसे मैंने कहा कि आपको मानना पड़ेगा कि इसके ऊपर भी मैंने एक इसी तरह का स्ट्रक्चर बना रखा है, टू डायमेंशन पर दिखाना आसान नहीं है, तो मैं इसलिए आपके स्क्रीन पर भी दिखा दे रहा हूं कि आप देख सकते हैं वो आपके क्रिस्टल लैटिस कैसा है, कि आपके चारों तरफ से जब एक ही तरह के रिपीटेशन हो किसी भी चीज का। मैं आपको थोड़ा सा एक चीज और सिखाता हूं क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या होगा। जैसे मान लो आप अगर इसको देखो, इसको यहां से और यहां से, तो देखो ये रिपीटेशन हो रहा है, अभी देखना है यहां पे ये रिपीटेशन हो रहा है। जब इस चीज का रिपीटेशन होगा लगातार तो ये हमारे लिए कहलाएगा क्रिस्टल लैटिस। किसी भी चीज का रिपीटेशन क्रिस्टल लैटिस होता है। और उसी का छोटा सा पोर्शन मैंने उठा लिया, सिर्फ इतना पोर्शन मैंने उठा लिया तो मेरे लिए यूनिट सेल हो जाएगा वो। तो जब किसी भी चीज को रिपीट करोगे, जब सेम तरह के स्ट्रक्चर्स बनते चले जाते हैं तो वो हमारे क्रिस्टल लैटिस के अंतर्गत आते हैं। और यूनिट सेल्स क्या होंगे? इसका छोटा सा पोर्शन जो होगा वो हमारा यूनिट सेल होगा। वैसे हम बात करते हैं यहां पर क्यूबिक यूनिट सेल्स के बारे में, तो आपको यह बात समझ में होगी कि ये हमारे क्या थे? यूनिट सेल्स थे, ठीक। अंडरस्टूड? आइए थोड़ी बात करते हैं और।
जैसे कि अब हमको पढ़ना है पॉज करिए पॉज।